नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पे एक नजर। मध्य प्रदेश में कुशासन के खिलाफ कांग्रेस की जनसंवाद यात्रा आज करहिया मंडी पहुंची, जहां पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने कैंपेनिंग शुरू कर दी है, जिसमें सभी पार्टियां अपनी नीतियों को लेकर जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी के नेता के गुप्ता के द्वारा जनसंवाद यात्रा का आयोजन किया गया है। क्षेत्रीय विधायक और मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जब हमारी मध्य प्रदेश की सरकार थी तो मात्र 28,000 करोड़ कर्जा कांग्रेस के जमाने में था। टैक्स भी कम था, लाइट का बिल भी कम आता था, महंगाई भी कम थी, पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने टैक्स भी हमसे ज्यादा लिया, महंगाई भी ज्यादा ली और कर्ज भी ज्यादा लिया। तो कहीं ना कहीं शंका जाता है कि ये पैसे का जो बाजार करके इन्होंने किया है, तो अपने व्यक्तिगत प्राइवेट खर्चे में खर्चा किया है, ये इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये कांग्रेस पार्टी सीधे आरोप लगाती है क्योंकि 3,50,000 करोड़ आज मध्य प्रदेश में कर्जा हो गया। 3,50,000 करोड़, 1,500 नहीं भैया, जब अब इसकी सुननी लिखेंगे ना तो कई और भूल जाएंगे कि 3,50,000 करोड़, उसका ब्याज कितना होता है, 540 करोड़ रुपया हर महीने ब्याज सरकार दे रही है। किससे लेगी ये, किससे लेगी, हमसे आपसे लेगी। इसलिए हमें हम लोग को पीड़ा है और आपके बीच में जा रहे हैं, कैसी सरकार जो हमें आपको टेस्ट के रूप में, महंगाई के रूप में इतने तेजी से बढ़ा रही है, अगर इसको रोकना है तो कांग्रेस पार्टी को एक बार सरकार माननीय कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए हम आपके पास आ रहे हैं क्योंकि आपने एक बार भरोसा किया है, 20 साल भरोसे एक ही व्यक्ति में किया है और एक व्यक्ति कितना भ्रष्टाचार किया है। एक मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो कहते हैं कि हम पुजारी हैं, जनता हमारी देवता है, आपको पता है ये शिवराज सिंह चौहान जी एक मध्य प्रदेश में एक महीने में कितनी सभाएं करते हैं, एक मध्य प्रदेश में 16 सभाएं करते हैं एक महीने में, और एक सभा में कम से 15 करोड़ रुपए खर्चा होता है। और आप बताइए कि 16 सभाओं में 15 करोड़ के हिसाब से 240 करोड़ रुपया एक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री खर्चा करता है केवल अपने प्रचार के लिए, अपनी बाबाई के लिए। सरकार हमें कुछ न दे, सरकार हमें दो चीज देनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। आप पूछे क्षेत्रीय विधायक से कि आपने रियो में कितने स्कूल खोले हैं, आप पूछे क्षेत्रीय विधायक से कि आपने कितने कॉलेज खोले हैं, और हम पूछते हैं कांग्रेस के लोग कि जिसमें आपके बाप दादा पढ़े हैं वो भी कांग्रेस के ही देन है, जो आज आप बोल रहे हैं वो पार्टी कांग्रेस के देन है। आज रीवा मध्य प्रदेश से लेकर 6,000 स्कूल सरकारी बंद हो चुके हैं, ये सवाल हमारा पूछना कर्तव्य होता है, वो 6,000 स्कूल कैसे आपने बंद किया। आज हमारे आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में लूट रहे हैं, हमें आपको प्राइवेट स्कूल में 2,000 से 10,000 की एक बच्चे की महीने फीस देनी पड़ती है। जिस स्कूल में कांग्रेस के जमाने में IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बना करते थे, वो सारी स्कूलों आपने बंद कर दिया है, इसलिए भ्रष्टाचार हुआ है और हम जनता के बीच में जा रहे हैं।